माफ कीजिएगा भाभी जी आज आपने हमें हॉट हर्ट कर दिया अरे मैंने आपको कैसे हर्ट कर दिया तिवारी जी भाभी जी आपने मर्दों को फूल्स कहा फूल्स अरे, नहीं नहीं तिवारी जी मैं आपको थोड़ी ना फूल बोल रही थी एक्चुअली मैं तो आपकी गिनती मर्दों में करती नहीं हूँ जी एक्चुअली बात यह है तिवारी जी कि मैं आपकी गिनती चालाक शातिर चालबाज, ऐसे मर्दों में नहीं करती तो, फिर, फिर कि, कि, किस टाइप के मर्दों में करती हैं? मैं आपकी गिनती करती हूँ सीधे सुलझे हुए काइंड मर्दों में <laughs> भाई जी आपने हमें स्वीट कोर्स आप तो स्वीट ही हैं। भाभी जी आपके मुंह से निकला ये शब्द हमारे लिए किसी दुआ से कम नहीं है जरा जरा फिर, फिर से ये शब्द दोहराए वो क्या है कि हमारी थोड़ी वो दिमागी कमजोरी थोड़ी कम हो जाएगी फिर फिर से शब्द दोहराइए ये वाला फिर से देखिए तिवारी जी मैं इतनी बार आपको स्पीड बोलूंगी तो आपको डायबिटीज हो जाएगी इसलिए एक बार बहुत अगर हमें डायबिटीज हो जाएगी तो फिर आप चिरायता चिरायता कहकर बुलाइएगा चिरायता हाँ वो कड़वा होता है ना उसे डायबिटीज कंट्रोल रहती है क्या तिवारी जी आप भी कहा, कहा से लेकर आते हैं <laughs> अच्छा ये बताइए लोटा लेकर कहाँ घूम रहे हैं ओहो भाभी जी आपको दरअसल गलतफहमी हो गई है आ, हमें दरअसल थोड़ा दूध चाहिए था ओ दूध आई एम सो सॉरी तिवारी जी मेरे घर पे भी दूध नहीं है एक्चुअली दो किलो दूध आता है एक किलो तो विभू पी जाता है और एक किलो का दही जमा दिया मैंने है? मतलब अभी भी आपको दूध बाहर से मंगवाना पड़ता है से आपका क्या मतलब है? मतलब आपकी ने बंद है? क्या? क्या है आपकी ने उसके विषय में आपको नहीं बताया क्या बोल रहे हैं आप विभू क्यों गाय खरीदेगा अरे वो वो, वो गाय खरीद कर लाए हैं उन्होंने अंगूरी को बताया बल्कि साक्षात दर्शन भी करवाए हैं अच्छा अब विभू ने आपको कहा है कि उसने गाय खरीदी तो जरूर खरीद के लाया होगा लेकिन विभू ने मुझे नहीं बताया <laughs> सक्षना जी सक्सेना जी आज का खेल यही खत्म हुआ, लेकिन कल सुबह हम दोबारा यही खेल खेलेंगे <laughs> बहुत ज्यादा मजा <निजा> आ रहा है पता कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे सचमुच की गाय हूँ अच्छा कहीं आपका दूध देने का मन तो नहीं कर रहा नहीं भैया वो स्टेज तो नहीं आई अभी लेकिन आ जाएगी वैसे जाते समय ना वो मैदान में जो हरी हरी घास देखी ना तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी भैया लाएंगे

भाभी जी इस थॉट साइड इट्स सैड हाँ सही पकड़े हैं अब हर जी उत्तिल धारी गाय अभी यहाँ से गई और उम से बात भी की है हाँ ये क्या मत बोलो आप मतलब ये है भाभी जी कि एक तो गाय आप हैं एक तो गाय वो है <laughs> जब से उस गाय ने इस गाय को देखा है तो उस गाय को इस गाय से प्यार हो गया और उसने इस गाय को कहा कि हे गाय आई लव यू अब गैया जी हमको आई लव यू बोले हाँ बस आप ये कह दीजिए कि आई लव यू टू गाय किधर है ये गाय आई मीन मुझे आप गाय समझ लीजिए आप तो बैल हैं जब हम पैदा हुए थे ना तो हमारे पिताजी ने हमारी शक्ल देखकर हमारी अम्मा से कहा था रामकली ये क्या मजाक है <laughs> लेकिन भाभी जी ये के मामले में हम मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं तिवारी, मैंने विभू से पूछा कि उसने उसने गाय खरीदी और मुझे साफ़ साफ़ शब्दों में कहा कि उसने गाय नहीं खरीदी <laughs> भाभी जी वो झूठ बोल रहे हैं। हमने अभी उसके पास गाय खरीदने और रखने के पैसे कहां से आएंगे हाँ वैसे भी वो तो नल्ले हैं जी न, न, नहीं म, म, मतलब हो सकता है कहीं से उन्होंने पैसे उधार लिए हो कहीं से चोरी चकारी की हो क्या बात कर रहे थे बारी जी आप मेरे हस्बैंड विभू पर चोरी चकारी का इल्जाम लगा रहे हैं भाभी जी इल्जाम नहीं लगा रहे हैं हम अनुमान लगा रहे हैं तो आपका अनुमान सरासर गलत है विभू ने मेरी कसम खाई है कि उसने गाय नहीं खरीदी है और वो मेरी कसम कभी झूठी नहीं खा सकता तो भाभी जी हम भी आपकी कसम कभी झूठी नहीं खा सकते हम आपकी कसम खा के कह रहे हैं कि उन्होंने गाय खरीदी है अब आप क्या कहेंगे